प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान में बेकिंग सोडा, धावन सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेकिंग सोडा से शुरुआत करेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र NaHCO3, NaHCO3, और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निर्माण की इसकी विधि जो है, निर्माण विधि इसका क्या है इसको जानेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसके निर्माण के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होती है, हम लेंगे सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, इसमें अमोनिया मिलाएंगे, जल मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तब ये सब अभिक्रिया करके हमको देंगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब हम देख लेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो हम शुरुआत करेंगे, संतुलन का मतलब हम आपको कई बार बताए हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित तभी होगी जब उस अभिक्रिया में अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अब इसको हम चेक करेंगे तो सोडियम अभिकारक के तरफ एक परमाणु है, उत्पाद के तरफ भी एक परमाणु है, क्लोरीन एक परमाणु है, उत्पाद में भी एक परमाणु है, नाइट्रोजन एक परमाणु है, उत्पाद में भी एक परमाणु है, हाइड्रोजन 3 और ये 2 मिलेगा, दोनों मिलके 5 होगा, इधर 1 और 4 मिलेगा, दोनों मिलकर 5 होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन भी समान संख्या में है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 और 2 दोनों मिलेगा तो 3 होगा, और इधर ऑक्सीजन 3 है। कार्बन की बात करें तो कार्बन अकेले इधर भी है और कार्बन अकेले इधर भी है। इस तरह से बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग यह समीकरण लिखते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल का कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है।
अब हम लोग इसका उपयोग पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, खाने वाले सोडे का क्या उपयोग है उसको जानेंगे। सबसे पहला उपयोग बेकिंग सोडा का है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। यह बेकिंग सोडा का पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग इसका है अग्निशामक सोडा अम्ल के यंत्रों को बनाने में, अग्निशामक सोडा अम्ल यंत्र बनाने में। तीसरा उपयोग इसका क्या है, जल की सोडा वाटर बनाने में। तीसरा उपयोग है सोडा वाटर बनाने में। यह बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का उपयोग था। अब हम लोग दूसरा जो है धावन सोडा के बारे में पढ़ेंगे। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है इसको जानेंगे। धावन सोडा दूसरा जो हम लोग का होगा वह है धावन सोडा। धावन सोडा का अणु सूत्र क्या है, धावन सोडा का अणु सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट कार्बो नेट डेका हाइड्रेट हाइड्रेट। यह धावन सोडा जिसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं उसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे होगा यह हम लोग जानेंगे। निर्माण विधि, अब निर्माण विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा का निर्माण के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट को जल में डालकर जल में घोलकर उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए धावन सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है तब बताएंगे धावन सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और इसको जो है जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण, ये क्रिस्टलीकरण हो गया। जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमको प्राप्त होता है
धावन सोडा Na2CO3 डाट 10H2O, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसका हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, इसका क्या क्या उपयोग है इसको जानेंगे। सबसे पहला उपयोग इसका, जैसे नाम इसका है धावन सोडा या धोने वाला सोडा, तो इसका पहला उपयोग है साफ सफाई, साफ सफाई में इसका उपयोग होगा। दूसरा जो उपयोग है इसका वह है जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में, जल की अस्थाई कठोरता दूर करने, और तीसरा इसका जो उपयोग है वह है साबुन, कागज, शीशा, साबुन, कागज तथा कांच उद्योग में। प्रिय छात्रों, यह धावन सोडा था जिसके निर्माण की विधि सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर जब उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमको धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग है साफ सफाई में, जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में, साबुन, कागज तथा कांच उद्योग में। अब जो है अंतिम जो आज का अध्ययन बिंदु है जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हम लोगों का अध्ययन बिंदु है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र कैल्शियम सल्फेट CaSO4.5H2O होता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम जिप्सम लेते हैं। निर्माण की विधि में हम क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे, निर्माण विधि। निर्माण विधि में हमको क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम जिप्सम लेते हैं और जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 डिग्री केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त होता है और जल के 3/2 अणु बाहर हो जाते हैं। यह जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम है। जब इसको हम
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, और जल का जो अणु बचता है 3/2 वह बाहर होता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि है। अब हम लोग उपयोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है मूर्ति तथा खिलौने बनाने में, ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा, घर के चाहे मकान के छतों तथा दीवारों को चिकना, दीवारों को चिकना बनाने में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा उपयोग है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग टूट जाता है तो उसको हम प्लास्टर कराते हैं, वह प्लास्टर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वह है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है।